चलो, कहता है ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस ए ट्रक, ये देखो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है फ्रिक्शन का, ठीक है। कहता है हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ ए ट्रक, एक ट्रक है, चलो यहाँ ट्रक बना लेते हैं, ये हम लोगों का ट्रक है, ठीक है, एक हैवी ट्रक है इस टाइप से, इस ये ट्रक है, ये ट्रक आगे जा रहा है, ठीक है, इस ट्रक इस टाइप से एक ट्रक है आगे जा रहा, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है कांस्टेंट एक्सलेशन, ट्रक का एक्सलेशन कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, इसमें ड्राइवर है जो इसको चला रहा है, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से म्यू 0.6 है मूविंग विद एक्सेलरेशन, देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रक है जो ऐसे जा रहा था, इसके सरफेस पे या हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो ब्लॉक ये यहाँ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है यार 0.6 है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे लगेगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो इस पे एक सूडो फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगाएगा कोई ऑब्जर्वर इस, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर इस यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो वो सूडो लगाएगा मास ऑफ द ब्लॉक एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, तो अगर ये स्मूथ सरफेस रहता तो ब्लॉक इधर एक्सेलरेट कर जाता इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन जो ट्रक है उस पर फ्रिक्शन पीछे लगा देगा, तो फ्रिक्शन और सूडो अब मिल के डिसाइड करेंगे कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, हो सकता है कि सूडो, हो सकता है कि ब्लॉक इधर एक्सेलरेट कर जाए, फ्रिक्शन की वजह से तो उधर जाएगा नहीं यार, ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर मान लो फ्रिक्शन रोक नहीं पाया तो एक्सेलरेट हो गया, तो अगर सूडो फ्रिक्शन के बराबर हो गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, अदरवाइज स्टेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि सूडो है कितना और मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ कितना अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है वो है म्यू एन, और म्यू 0.6 और एम जी मास ऑफ द ब्लॉक दिया होगा कितना भाई, हाँ मास ऑफ द ब्लॉक नहीं है क्या, ए ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रक ब्लॉक ये 1 दिया है, म्यू एम जी 10 दिया है, ठीक है, तो यह जाएगा 6 न्यूटन, तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन अवेलेबल है लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन है, और सूडो कितना है, सूडो फोर्स कितना है, देखो सूडो कितना है, सूडो सूडो जो फोर्स है ओएम में वो कितना है, मास 1 kg है और ये मतलब 5 न्यूटन, ठीक है, अब सूडो तो 5 न्यूटन ही लगेगा क्योंकि एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो अब यहाँ पर सूडो कम पड़ गया, सूडो कम पड़ गया, फ्रिक्शन ज़्यादा है तो मैक्सिमम तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो अभी यहाँ कितना लगेगा, अगर 5 न्यूटन इधर लगता है तो इधर अब फ्रिक्शन लगेगा 5 न्यूटन जो कि स्टैटिक होगा, अगर ये 6 न्यूटन होता तो यहाँ 6 न्यूटन लगता जो कि लिमिटिंग होता, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्स फ्रिक्शन लगेगा वो 5 न्यूटन लगेगा और उसका जो नेचर है वो स्टैटिक होगा, लिमिटिंग होगा, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, किस कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो इधर की डायरेक्शन में लगेगा और सूडो को पूरी तरह से बैलेंस कर लेगा, ब्लॉक इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, ठीक है।